नमस्कार, मैं प्रिया। आज 3 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 8 अक्टूबर तक फ्री होगी ये सुविधा। बिहार में कोरोना के मिले 5 से कम मामले। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बिहार पुलिस जल्द ही दिखेगी मॉडर्न अंदाज में। बिहार पोस्ट मॉनसून की चपेट में, 8 जिलों में भारी बारिश के आसार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 8 अक्टूबर तक फ्री होगी ये सुविधा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू 8 अक्टूबर तक आम लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है। दरअसल वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के मौके पर लोगों को यह सुविधा दी गई है। राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने इस बात की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी गई है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर बिहार म्यूजियम और पटना जू में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पटना जू की वन प्राणी दत्तक ग्रहण योजना के अंतर्गत दत्तक प्राणी ग्रहण करने वाली एजेंसियों को सम्मानित किया जाएगा। बिहार के 5,682 सरकारी स्कूल में शुरू होगी नर्सरी की कक्षा। शिक्षा विभाग 8 करोड़ रुपए खर्च कर बच्चों को बेहतर सुविधा देने जा रही है, जिसके तहत बिहार के प्राइमरी स्कूल में संग चल रही 5,682 आंगनबाड़ियों के बच्चों की प्री प्राइमरी कक्षाएं नवम्बर महीने से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अक्टूबर में इन आंगनबाड़ियों की सहायिकाओं को प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे खास बात यह होगी कि 3 से 5 साल तक के इन बच्चों पर प्रति बच्चे 13,802 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके बाद इन सभी प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन से पहले इनकी क्लासों में झूले, टेबल, कुर्सी, आकर्षण, रंगीन किताबें, खेलकूद के सामान, साउंड बॉक्स आदि दिए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे को 120 रुपए की किताबें भी दी जाएंगी। बिहार के प्रखंडों में बनेंगे निजी गोदाम। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत अनाज के भंडारण के लिए सभी प्रखंडों में निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत तय मानकों के अनुरूप निजी गोदामों को न्यूनतम 10 वर्षों के लिए सरकारी किराए पर लेगी। इसके साथ ही राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को MACPS 2010 में उन्नयन किया जाएगा। अभी इन्हें ACP का लाभ 12 और 24 वर्षों पर दिए जाने का प्रावधान था। बिहार के बक्सर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बक्सर भारत के बिहार प्रांत का शहर है। भारत के पूर्वी प्रदेश बिहार के पश्चिमी भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित यह एक ऐतिहासिक शहर है। मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर आधारित यहां की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार का अभाव दिखता है। यह शहर मुख्यतः धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसका नाम व्याघ्रसर था, क्योंकि उस समय यहां पर बाघों का निवास हुआ करता था। तब एक बहुत बड़ा सरोवर भी था, जिसके परिणाम स्वरूप इस जगह का नाम व्याघ्रसर पड़ा। बक्सर में गुरु विश्वामित्र का आश्रम था। यहीं पर राम और लक्ष्मण का प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण हुआ। प्रसिद्ध ताड़का राक्षसी का वध राम द्वारा यहीं पर किया गया था। 1764 ईसा का बक्सर युद्ध भी इतिहास प्रसिद्ध है। इसी नाम का एक जिला शाहबाद का अनुमंडल है। मतदान के दौरान सभी SP और SSP करेंगे पेट्रोलिंग। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इन सबके बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और अहम जानकारी निकल करके सामने आई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के SP SSP को प्रखंड में मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ चुनाव वाले क्षेत्र में भ्रमण और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने का निर्देश दिया है, ताकि पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो, जिसके तहत आगामी चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SSP और SP को प्रखंड में मौजूदगी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, चुनाव वाले क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेने का निर्देश भी दिया है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त करवाया जा सके। बिहार में कोरोना के मिले 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 43 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो जमुई में 1, मधेपुरा में 1, वहीं 2 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अररिया, अलवर, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, पटना, कटिहार, जहानाबाद, कैमूर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 52,300 सैंपल की जांच की गई और 4 मरीज ठीक होकर वापस लौटे हैं। बिहार पोस्ट मॉनसून की चपेट में
8 जिलों में भारी बारिश के आसार। बिहार पोस्ट मॉनसून की चपेट में है। मौसम विभाग के माने तो मौसमी सिस्टम दो अलग अलग छोरों पर बने हुए हैं, जिससे बिहार में इसका काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के सभी क्षेत्रों में मॉनसून की सक्रियता जारी रही है। इससे पहले बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि 24 घंटे में भी यह सक्रियता बनी रहेगी। साथ ही यह भी बताया गया है कि इसका असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार सहित 8 जिलों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। इस मौसमी सिस्टम का अगले 2 से 3 दिनों तक इसी प्रकार बने रहने की संभावना है। यूपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन किए जाने की भी तारीख को बढ़ा दिया गया है। पूर्व के नोटिफिकेशन के अनुसार रिक्तियों की संख्या 555 रही थी, लेकिन अब इसकी संख्या में इजाफा कर दिया गया है, जिसके तहत अब 575 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं आवेदन की तारीख में भी संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वहीं इसमें 15 नवंबर तक संशोधन किया जा सकता है। बताते चले कि बीपीएससी 67वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आयु की गणना 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। बुजुर्ग ने खींचा लोगों का ध्यान। टीकाकरण अभियान में शामिल हुए बुजुर्ग ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल सत्याग्रह की धरती चंपारण में बुजुर्ग जोखम राम महात्मा गांधी की तरह टीका लगाने के लिए पहुंचे। सीमाई रक्सौल प्रखंड के गम्हरिया अंतर्गत अनुसूचित बस्ती में अवस्थित नव सृजित मध्य विद्यालय स्थित टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर टीका लगवाया, जिसके बाद उन्होंने अन्य लोगों से भी टीका लेने की अपील की। बताते चले कि जोखम राम जिला प्रशासन के कार्यक्रम गांधी आए आपके द्वार से साल 2018 में उनको देश स्तर की पहचान मिली। पदयात्रा के दौरान उन्होंने पूरे देश में स्वच्छता संदेश दिया था। इसके बाद हर साल 2 अक्टूबर को वो गांधी के भेष में कुछ न कुछ संदेश जरूर देते हैं। होगी और समृद्ध। बिहार पुलिस और ज्यादा समृद्ध होने जा रही है, क्योंकि बिहार पुलिस को जल्द ही अत्याधुनिक हथियार मिलने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के मॉडर्नाइजेशन के एडीजी कमल किशोर सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर साल 2024-25 तक की योजना बनाई गई है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 43 करोड़ रूपये अप्रूव किया है। मॉडर्नाइजेशन के एडीजी कमल किशोर सिंह ने इसकी जानकारी दी। मॉडर्नाइजेशन के एडीजी कमल किशोर का यह भी कहना है कि बिहार पुलिस को पहले से ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए आधुनिक हथियार, ड्रोन कैमरे के साथ साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के मंदिरों मठों की जमीन से पूरी जानकारी मिलेगी अब एक क्लिक पर। बिहार के मंदिर, मठ और ठाकुरबाड़ी की जमीन से जुड़ी तमाम जानकारी अब एक पोर्टल पर मिल सकेगी, जिसके लिए इसके जमीन से जुड़े कोई विवाद जैसी बात उठने की भी संभावना नहीं होगी। इस पोर्टल को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल राज्य में मंदिर मठों के नाम पर दान में दी गई जमीन को कुछ भूमाफियाओं की तरफ से लेने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद काफी ज्यादा हड़कंप मच गया था। ऐसे में धार्मिक न्यास परिषद सभी जिलों में बैठक करके स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को आदेश दे रही है और वहां स्थित तमाम मंदिर और मठों की पहचान की जाए, जिसमें उन्हें पहले और अब की जमीन के सभी डिटेल्स देने होंगे, जिसके बाद जमीन का स्वामित्व मंदिर के नाम पर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद धार्मिक न्यास परिषद द्वारा उन मठों, मंदिरों और ठाकुरबाड़ी की जमीनों का सर्वे कराकर उसे एक पोर्टल पर डाला जाएगा। दरभंगा एम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू करने के लिए जल्द होगी बैठक। दरभंगा एम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू करने के लिए जल्द होगी बैठक। दरभंगा एम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू करने के लिए जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार के बीच बैठक का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर सूबे के पूर्व उपमुख्यमंत्री सह राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने शनिवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एम्स के लिए चयनित भूमि के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से कई बातें कही, जिसके बाद अब आयोजित होने वाली बैठक में एम्स निर्माण के लिए चिन्हित जमीन पर मिट्टी भराई का काम शुरू होने में आ रही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। इसको लेकर सूबे के पूर्व उपमुख्यमंत्री सह राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार ने अस्थावा विधानसभा क्षेत्र इलाके के बिंदुसार, कथरी सराय समेत कई इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे ही बाढ़ जैसी स्थिति की जानकारी मिलेगी, हम तुरंत दल बदल के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ेंगे। आगे फिर इस तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर कार्य किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बाढ़ के कारण जहां जहां तटबंध टूटे हैं, इसके अलावा जो भी नुकसान हुआ है उसे भी ठीक किया जाएगा।
सरकार ने राज्य के सभी प्राइवेट प्रारंभिक स्कूल को दी बड़ी नसीहत। बिहार सरकार ने राज्य के सभी निजी प्रारंभिक स्कूल के लिए राहत देने वाला फैसला लिया है, जिसके तहत अब इन स्कूलों को मान्यता के लिए अंतिम तारीख में बदलाव करते हुए उसे बढ़ा दिया गया है। अब इन निजी स्कूल के प्रबंधक 31 नवंबर तक मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि राज्य शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 और बिहार राज्य के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत सभी निजी प्रारंभिक स्कूलों को ई संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। ऐसे में पहले इसके लिए अंतिम समय 30 सितंबर ही था, जिसे बढ़ाकर 31 नवंबर कर दिया गया है। कुशेश्वर स्थान की सीट पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। बिहार में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच पेच फंस गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरागत सीट कुशेश्वर स्थान को छोड़ना नहीं चाहती और राजद इस बार दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने राजद के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इसलिए पार्टी लड़ना चाहती है। कल से 15 दिनों तक बिहार के सभी पुलिस जवानों की छुट्टी रहेगी रद्द। कल यानी 4 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बिहार पुलिस के जवान से लेकर अधिकारी तक को किसी तरह की छुट्टी नहीं मिलेगी। यह आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से बीते दिन जारी कर दिया गया है। दरअसल आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, यानी कि कल से लगातार 15 दिनों तक पुलिस वाले ऑन ड्यूटी रहने वाले हैं। पुलिस मुख्यालय के आईजी की तरफ से जारी किए गए इस आदेश में पटना सहित राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि वो सिपाही से लेकर अधिकारियों तक की छुट्टी रद्द करें। यह आदेश सीआईडी, एटीएस और रेल पुलिस के अलावा बाकी अन्य इकाइयों पर भी लागू होगा। बताते चले कि दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अभी से ही चौकस रहने वाली है। सारण में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से गंगा में जलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए कराए जा रहे कार्यों को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गायघाट संस्थान के अध्यक्ष जयंत सिंह ने बताया है कि सारण के बालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा। 10 सितंबर से यहां पर काम शुरू हो जाएगा। अगस्त 2023 तक 24 महीने के अंदर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इधर मुख्य अभियंता रविकांत ने बताया कि हल्दिया की जेटी में फरवरी मार्च तक आधुनिक कर चालू कर दिया जाएगा। फरक्का से लेकर बाढ़ के बीच में गंगा नदी में ड्रेनेज का कार्य कराया जा रहा है। इसी तरह का कार्य बाढ़ से लेकर गाजीपुर के बीच भी कराया जाएगा। ललन सिंह ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर किया कटाक्ष। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने विधानसभा उपचुनाव में नॉमिनेशन को लेकर कटाक्ष किया है, जिसके तहत ही राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर एनडीए की जीत होना तय है। दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान ने भी उम्मीदवारों के उतारने की बात कही है, जिसे लेकर ललन सिंह ने ये बातें कही। ललन सिंह से जब ये सवाल किया गया कि चिराग पासवान भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने की बात कर रहे हैं, जिस पर ललन सिंह ने जवाब दिया कि वो भी पार्टी चलाते हैं और उन्हें भी उम्मीदवार उतारने का हक है। साथ ही इन सीटों पर उन्होंने एनडीए की जीत होने का दावा किया है। बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर नीतीश ने दिया ये जवाब। बिहार में नीति आयोग को लेकर एक अहम जानकारी निकल कर सामने आई है, जिसके तहत बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है, जिसके बाद बिहार सरकार पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर सीएम नीतीश ने अपना बयान भी जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर व्यंग किया है। गांधी के विचारों के साथ न सिर्फ हम लोगों को चलना है, बल्कि उनके विचारों को नई पीढ़ी तक भी हमें पहुंचाना है। मुख्यमंत्री यहां महात्मा गांधी को नमन करने के लिए पहुंचे थे। ज्ञात हो तेजस्वी का यह बयान ऐसे मौके पर आया जब राजद विधायक तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसा। तेजस्वी यादव डॉक्टर्स को जोड़ेंगे राजद से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद को समाज का सच्चा हितैषी और सच्चे प्रतिबिंब के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। यही कारण है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो सामाजिक और राजनीतिक मंच बनाकर राजद के साथ जुड़े और पार्टी की सदस्यता ले। इसको लेकर जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं हजार हैं, जो आम नागरिकों को प्रभावित करती हैं। इसलिए संवेदनशील राजनेता के रूप में डॉक्टरों और मरीजों की समस्याओं को समझने के लिए तेजस्वी ने डॉक्टरों के साथ भेंटवार्ता तय की है।
ईसी ने लोजपा के चाचा भतीजे पर चुनाव चिन्ह का उपयोग करने पर लगाई रोक। बिहार विधानसभा में दो सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में लोजपा के मुखिया चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। अब पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला और इसके नाम के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इन दोनों को स्पष्ट रूप से लोजपा के नाम, पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल उपचुनाव के दौरान नहीं करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि अभी बिहार में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में चिराग दोनों ही सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे थे। पशुपति कुमार पारस ने एनडीए का समर्थन भी किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पहले मराठी संगीत नाटक संगीत शाकुंतल का 1880 को पुणे पहले मराठी संगीत नाटक संगीत शाकुंतल का 1880 में पुणे में मंचन किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1977 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता में पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 1978 में आज के दिन हुआ था। भारत की दूसरी लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए 1984 में रवाना की गई थी। टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने 2008 में सिंगूर से नैनो कार परियोजना अन्यत्र ले जाने की घोषणा की। भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का जन्म 1953 में आज के दिन हुआ था। भारतीय फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता का जन्म 1949 में आज के दिन हुआ था। भारतीय लेखक एमएन विजयन का निधन 2007 में आज के दिन हुआ था। शिखर धवन ने बेहद खराब रिकॉर्ड किया अपने नाम। आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर मौजूद शिखर धवन का बल्ला मुंबई इंडियंस के खिलाफ नहीं चला। वो 7 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाकर रन आउट हो गए। धवन को इस मैच में मुंबई के खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने रन आउट किया। शिखर धवन इस मैच में रन आउट होने के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। व्हाट्सएप ने भारत में 20 लाख से ज्यादा यूजर पर लगाया बैन। व्हाट्सएप की मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट से पता चलता है कि मैसेजिंग ऐप ने अगस्त में भारत में 20 लाख से ज्यादा अकाउंट पर बैन लगा दिया है। मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि अगस्त के दौरान व्हाट्सएप को 420 शिकायत रिपोर्ट मिली थी। एक इंडियन अकाउंट की पहचान +91 फोन नंबर के जरिए की जाती है। कंपनी के मुताबिक ऑटोमेटेड या बल्क मैसेज का अनऑथोराइज इस्तेमाल किए जाने की वजह से 2,70,000 अकाउंट पर बैन लगा दिया गया है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा को याद आए सिद्धार्थ शुक्ला। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को ठीक एक महीना हो गया है। इससे उनके परिवार, दोस्त और फैंस अभी भी शॉक की स्थिति में हैं और उससे बाहर नहीं आ पा रहे। वहीं अब कई साल पहले सिद्धार्थ के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी टीवी एक्ट्रेस और भोजपुरी फिल्म की अदाकारा मोनालिसा ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सिद्धार्थ को याद किया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लिए यह मुश्किल का समय है। मोनालिसा ने आगे कहा कि जब मेरे पति और मुझे सिद्धार्थ के निधन के बारे में पता चला तो हम दोनों इस बात को पचा नहीं पाए कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे अफसोस हुआ कि लाइफ बहुत असर्टेन होती है। इस बात से सहमत नहीं हो पा रही हूं कि वो नहीं रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप, नवीन कुमार, मनीष मोहरा, पिंकी कुमारी, गौतम कुमार, मंतोष कुमार, वीना कुशवाहा, सागरम फिल्म्स, सोनम देवी, सुमन कुमार, विजय प्रताप राजपूत, सचिन कुमार, रविन्द्र प्रसाद, बबिता कुमारी, आशा उपेंद्र, जोगेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार पुलिस को सशक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।